जब जब परिस्थिति इनके विपरीत होती है, ये गाय गंगा गोबर की बात करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। तिवारी जी आप की बात को आगे ले जाओ, शांति। ये हिंदू मुसलमान चलने वाली नहीं है। जब जब परिस्थिति इनके विपरीत होती है, ये गाय गंगा गोबर की बात करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। तिवारी जी आप की बात को आगे ले जाओ, शांति। ये हिंदू मुसलमान चलने वाली नहीं है। तिवारी जी और ये सोशल मीडिया, तिलक जी याद रखिएगा, याद रखिएगा, इंतजार करिए चुनाव के परिणाम की। जनता इनको वो सबक सिखाएगी जिससे ये भूल जाएंगे ये जुमलेबाजी करते हैं। हो गया तिवारी जी, ओके ओके। इतने दम्भ में चूर हो गए। ये जुमला चलने वाला नहीं है, ये जुमलाबाजी अब चलने वाला नहीं है। जनता समझ चुकी है आपकी स्थिति देश की जनता के सामने नंगी तस्वीर। चुनाव की घोषणा हुई है और तिवारी जी बात है कि रैलियों पर रोक लगाई। दोनों की ऑडियो नीचे। तिवारी जी ऑडियो नीचे हो गया। आप प्रमुख साहब आपका भी ऑडियो नीचे हो गया। ये चुनावी रैली साहब रोक लगाई है चुनाव आयोग ने। चुनावी रैली यही करोगे क्या आप? ए.के. मिश्रा, अब मैं तिवारी जी के पॉइंट को आगे लेकर नहीं, बीच में इन्होंने टोका है। तिवारी जी इन्होंने टोका है बीच में। ओके, मैंने टोका, मेरे से गलती हो गई, मैंने टोका। बस अब खत्म करिए बात। तिवारी जी रुक जाइए। मिश्रा जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ आपसे, जो बात तिवारी जी कह रहे हैं। देखिए, एक एक बयान पर आप जानते हैं पूरा का पूरा चुनाव का समीकरण बदलते हुए मैंने देखा। एक एक बयान पर उदाहरण के साथ आपको बता सकता हूँ। एक एक बयान ऐसा रहा जिसपे चुनाव का पूरा माहौल बदल गया। क्या वाकई मुद्दे भी बदलेंगे? जिसका जिक्र बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि तिवारी जी कह रहे हैं कि गाय गोबर, राम मंदिर, ये तमाम मुद्दे उठाती है बीजेपी। क्या वाकई मुद्दे भी बदलेंगे इस नए गेम प्लान से? चावला जी, मुझे लगता है आज तिवारी जी डिबेट के पहले हनुमान चालीसा पढ़ के बैठे हैं और प्रमुख जी हनुमानाष्टक या हनुमान बाहुक का पाठ करके बैठे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आप मेरे लिए तो दोनों पूजनीय हैं, दोनों ही पूजनीय हैं गुरुजी। दोनों लोग उम्र में बड़े हैं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा था, थोड़ा इनलाइटेड वे में किया जाए। देखिए, बात ये है, मैं आपको बताऊं, बेसिक जो मुद्दे हैं वो तो अभी नहीं, 500,000 साल से सेम रहे हैं। वो ये है रोटी, कपड़ा, मकान, बेरोजगारी। आप मुझे, चलिए हम आजाद भारत की बात करते हैं, ऐसा कौन सा इलेक्शन हुआ है जिसमें बेरोजगारी मुद्दा ना रहा हो, महंगाई मुद्दा ना रहा हो, नौकरी, रोजगार, ये सब मुद्दे ना रहे हो। बेसिक जो है वो रहे हैं और छद्म तरीके से, लेटेस्ट, कहीं ना कहीं रिलीजन का भी यूज किया जा रहा है। और रही बात, देखिए, मैं आपको बहुत फ्रेंकली बोल रहा हूँ, ना तो बीजेपी ना आरएसएस के कारण मैं सनातनी या हिंदू हूँ तो बीजेपी और आरएसएस के कारण नहीं हूँ। उसके पहले भी मैं और मेरा परिवार और बहुत सारे लोग हिंदू थे, सनातनी थे। अगर हम हिंदू हैं और हम सनातनी हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम गाय गोबर और गंगा की बात करते हैं, गंगा जल से आचमन करते हैं और हर चीज, तो पॉलिटिक्स में गाय गोबर गंगा का बात करना टैबू क्यों समझा जाता है या घृणित क्यों समझा जाता है? क्यों ना बात किया जाए भाई, आप मुझे बताइए। क्यों शर्म आती है? क्यों रोकते हैं कि पॉलिटिक्स में बात ना किया जाए? आप मुझसे या अपने आप से अपने धर्म को, यहाँ की चीजों को अलग नहीं कर सकते। कल बोलेंगे आप हिमालय पर्वत की बात मत करिए, भारत खंड की बात मत करिए, सरस्वती की बात मत करिए, वेदों की, ये सारी चीजें जो मानव जीवन से जुड़ी हैं, वो चुनाव से और पॉलिटिक्स से भी जुड़ी हुई हैं। हर आदमी, कोई, देखिए एक चीज बता दूं बहुत फ्रेंकली, कोई भी आदमी ए पॉलिटिकल नहीं हो सकता है, गैर राजनीतिक नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ अंश में राजनीति का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है और उसका झुकाव रहता है, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे जो हो। तो मुद्दे तो वही रहेंगे बेसिक। अभी भी देखिए मुद्दे जाति पात के, बेरोजगारी के, ये सब चीजें जो है, 7-8 मुद्दे हैं वो रहेंगे। वो यूनिवर्सल मुद्दे हैं, अमेरिका में भी वही मुद्दे होते हैं, यहाँ पे भी वही मुद्दे हैं। नया मुद्दा किसी को मिले तो मुझे बताइए। क्या आपको लगता कि सिर्फ एक मुद्दे के आधार पर, एक बयान के आधार पर भी पूरा का पूरा चुनाव पलट जाता है? साहब बिल्कुल लगता है। और आपकी मणिशंकर अय्यर का बयान ले लीजिए, जो उन्होंने बोला था गुजरात का हारा हुआ इलेक्शन। मैं आपको बताता हूँ, 5000 साल पहले द्रौपदी ने एक बयान दिया था राजसूय यज्ञ में जब दुर्योधन गया था रंगमहल में तो पानी की जगह थल और थल की जगह जल वो देख रहा था। तो वहां पे क्या हुआ था कि उसने बोला था अंधे का पुत्र अंधा। एक हिस्टोरिक बयान है, ऐतिहासिक बयान, पूरी राजनीति हुई और महाभारत हो गया। इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या लेंगे रामायण से। चाणक्य जब दरबार में गया था घनानंद के, तो घनानंद ने एक बयान दिया था ब्राह्मण को लेकर के कि कुछ स्वर्ण मुद्राएं लो, भिक्षा लो और चलो निकलो यहाँ से। उस बयान के कारण भारतवर्ष की तकदीर बदल गई थी, चाणक्य ने क्या से क्या कर दिया। तो ये भी कोई नई बात नहीं है, एक मुद्दे से वाकई में देश की तकदीर बदल जाती है। चुनाव का परिणाम तो छोड़ दीजिए। ओके, आप ये कह रहे हैं, लेकिन अब मैं